गुजरांवाला से इंतहाई अफसोस नाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर मौत पर जराए से पता चला है कि सलीम कलोनी में पादरी और उनके दामाद को पुलिस ने तोहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी वजह से मसीहियों में खौफ और हरास पाया जा रहा है और लोग खौफ ज्यादा होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। इतलात के मुताबिक जाहिर किया जा रहा है कि जुमा के खुतबात के बाद लोगों के घरों पर हमला किए जाने का इम्कान है। मसीही बस्तियों पर हमला करने के लिए आप सब से दुआ की दरख्वास्त की जाती है। जैसे ही नई मालूमात आती हैं तो आपको आगाह किया जाएगा। आखिरी इतलात के मुताबिक सलीम कलोनी में मकामी पास्टर पर तोहीन मजहब के इल्जाम के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि CPO ऑफिस गुजरांवाला में आला सतही इजलास जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान, मकामी पास्टर, सियासी और मजहबी रहनुमा भी शरीक हैं। मकामी पास्टर का अपने दामाद के साथ घरेलू तनाजा था, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। मतनाजा पोस्ट पास्टर साहब के दामाद ने बनाई है।